माता जी को दे दो पीछे वाली, अपना प्रश्न मत पूछना, कथा से संबंधित ही पूछना, दे दो उन्हें जी। जय बागेश्वर धाम की। जय बागेश्वर, कहाँ से आई हूँ? सरकार से, मैं दिल्ली से आई हूँ। दिल्ली से? हाँ जी। कब आई थी बहन? मैं परसों आई थी, जिस दिन आपकी कथा स्टार्ट हुई थी उस दिन। वाह, मैं आपसे एक मेरी भेंट है, इसके स्वीकार किए करो आप, मेरी छोटी सी माला है, इसको पहले सबसे सुबह से लेके बैठी हूँ मैं। जी बहन जी, ले आओ भाई, ले आओ, ले आओ। तो मेरी एक सवाल है कि मैं पहले शिव जी की पूजा करती थी। सबसे पहले तो सब बोले मेरे से, जब मैं थोड़ी समझदार हुई तो आपने पार्वती की पूजा नहीं करी तो शिव जी रुष्ट हो जाएंगे, तो मैंने उनकी पूजा छोड़ दी। फिर मेरे को क्या कहते हैं, मैं माता की पूजा करने लगी। तो उसमें आप, मेरा मन विचलित रहता है, मैं किसकी पूजा करूं ये मेरी समझ में नहीं आती है। तो आप कभी, मैं हनुमान जी की बोलती हूं तो मेरे से पहले बोलते थे हनुमान चालीसा लेडीज नहीं पढ़ती हैं, तो आप बताइए गुरु जी के मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, मुझे हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए? ताली बजाइएगा बहन जी को। सुंदर प्रश्न है। पहली बात तो हनुमान चालीसा सबको पढ़ना चाहिए। गोस्वामी जी ने लिखा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। अगर केवल पुरुष भर पढ़ने के लिए उन्होंने लिखा होता तो वो लिखते जो पुरुष पढ़े, तो ऐसा तो गोस्वामी जी ने भी नहीं लिखा है कि जो पुरुष पढ़े। बोले जो यह पढ़े, नाग गंधर्व किन्नर यक्ष, हम कई जौन जी अब पत्रकार कह रहे थे जी राक्षस लो पढ़े, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो ही सिद्धि, उसको सिद्धि मिल जाती है साखी गौरीसा, उसके साक्षी श्री गौरीश भगवान है। तो पहली बात तो सब पढ़ सकते। अब पहला प्रश्न आपने किया था कि हमने कचुदन शंकर जी की करी तो पार्वती जी नाराज हो गई। नहीं, बोला था लोगों ने मेरे। अच्छा, लोगों ने बोला। हाँ, कि पार्वती की आपने साथ में पूजा नहीं करी है तो पार्वती रुष्ट हो जाती है, आपको शिव जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। अब जिसने भी बोला, भगवान जाने किस वेद से बोला, शंकर जी स्वयं अर्धनारेश्वर हैं। गुरु जी इतना पता नहीं था, छोटी थी मैं, सातवीं आठवीं क्लास में पढ़ती थी। अब आप हमारा सुन लीजिए, नहीं तो उत्तर नहीं। शंकर जी अर्धनारेश्वर हैं, आधी अंबा हैं आधे शिव हैं, इसलिए उनका नाम अर्धनारेश्वर हैं। वैसे उनमें ही दोनों पूर्ण हैं, तो उनमें श्रद्धा कहे तो केवल शंकर जी में निष्ठा रखिए, और अगर आप हनुमान जी में निष्ठा रखती हो तो और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। और तीसरी बात, तीसरा उत्तर सुन लीजिए, आप जिस इष्ट को मानते हो उसी को परिपूर्ण मानिए। हमें प्यास यहाँ लगी, पानी यहाँ चाहिए, कोई व्यक्ति बोले कि आप जो है मुंबई चले जाओ, वहाँ पर बहुत समुद्र भरा, तब तक तो तेरे ही हो जाने, हमारी प्यास यहाँ लगी है। तो जिस व्यक्ति की जिस इष्ट में जितनी निष्ठा हो जाए, उस व्यक्ति के लिए वही सब परमात्मा है, उसी भगवान में सबके दर्शन करना चाहिए। गुरुजी मुझे इस चीज का समाधान बता दो कि मैं दुर्गा चालीसा का भी पाठ करती हूँ। मैं दुर्गा चालीसा करती हूँ। आप जो जो आए सब करत रहा। अब खुदा ही स्तर नहीं है हमका के देंगे। हमने बता दिया कि आप सब करत रहा।